अभी एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में महायुति की बैठक से। पहले बैठक हुई है, सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बैठक हुई है। करीब घंटे भर तक चली दोनों की बैठक, जो सीटें फंसी हुई हैं दोनों के बीच इसी पर चर्चा हुई है। कई सीटें ऐसी जिन पर अभी भी पेंच है और इसी पर बातचीत हुई है इन दोनों नेताओं की। हमारे सहयोगी कृष्णा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कृष्णा, इस बैठक से कुछ अपडेट है क्या? देखिए अखिलेश, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच करीब एक घंटे तक लंबी बातचीत हुई है और ये बातचीत महायुति में जिन सीटों को लेकर एक अभी फंसा हुआ है उन सीटों पर किस तरीके से बीच का रास्ता निकाला जाए और सीट शेयरिंग की जो प्रक्रिया बची हुई है उसको किस तरीके से पूरी की जाए, क्योंकि सिर्फ 2 से 3 दिन का समय बचा है जब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जानी है। ऐसे में तमाम जो नेता हैं महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो उनकी कोशिश है कि जो पेच फंसा हुआ है सीटों को लेकर उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए और यही कारण है कि करीब एक घंटे तक लंबी मीटिंग चली है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले अब से कुछ देर पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने आए थे। वो अपनी पार्टी के लिए तो महायुति में कम से कम 2 सीटें चाह रहे हैं, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस से रामदास आठवले मिले तो देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें एक मैसेज कन्वे किया और ये कहा कि आप अपनी जो बात है वो मुख्यमंत्री के सामने भी रखें। उसके बाद आठवले जो हैं ऐसा बताया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री से भी मिले और उन्होंने ये मांग रखी है कि 2 सीट हमें महाविकास महायुति में हमें दी जाए और अगर 2 सीटों पर बात नहीं बनती है तो कम से कम 1 सीट कलीना की सीट ये बताई जा रही है कि 1 सीट कलीना वाली रामदास आठवले अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं। वही एक बड़ा डेवलपमेंट इसमें इस पूरे मीटिंग के दौरान ये भी देखने को मिला कि तमाम जिन सीटों को लेकर एक फंसा हुआ अखिलेश उन सीटों पर उन सीटों के जो इच्छुक ठीक है इस पर नजर बनाकर रखिएगा। कृष्णा, जो भी जानकारी होगी आगे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।